झारखंड के जनपद सिमडेगा के कोलेबीरा प्रखंड एड़गा पंचायत के पोगलोयो गांव में बिजली 15 दिन से ठप है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली न होने के कारण विद्यार्थियों को स्कूल जाने में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को रात को बहुत कठिनाई हो रही है। बच्चे रात को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोगों का मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, मोबाइल चार्ज नहीं होने से एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों से बिजली की समस्या के बारे में, आपका क्या नाम हुआ? शुक्रा सिंह। क्या समस्या है? हम लोग का यहाँ समस्या है कि 15-20 दिन से लाइने नहीं है। अच्छा। और बच्चा लोग के यहाँ पढ़ता है लेकिन तो लाइन का दिक्कत हो रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा है। रात को ट्यूशन पढ़ता है। लाइन रात ना दिन को भी नहीं आ रही है? दिन को भी नहीं है, रात को भी नहीं है। मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पा रही है? हाँ, मोबाइल भी नहीं चार्ज नहीं हो पा रहा है, किसी से बात भी नहीं हो रहा है। अभी तो वही मिस्त्री लोग काट देता है कि क्या करता है, लाइन नहीं आ पा रही। हाँ, लाइन आ नहीं पा रहा है। ठीक है। आप लोगों ने कभी विभाग से शिकायत की है इसके बारे में? किए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं, नहीं हुआ है। लोगों को किसी भी प्रकार से कोई मोबाइल या टेलीविजन से न्यूज नहीं मिल पा रही है। मोबाइल चार्ज करने के लिए लचड़ागढ़ ले जाया जा रहा है, जहां दुकानदार एक मोबाइल पर 10 रुपए लेकर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लचड़ागढ़ के बिजली कर्मचारी अजय कुमार साहू ने रामदड़ी से पोगलोयो जाने वाली लाइन जम्फर को काट दिया है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अगर बिजली 1-2 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो कोलेबीरा बिजली विभाग को गाँव के सभी लोगों द्वारा घेराव किया जाएगा। आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज चैनल। अभी मैं धनुर्जय सिंह इस समय हूँ सिमडेगा जिला के कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत एडेगा पंचायत के पुगलोया बरटोली गांव में। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से। आपका क्या नाम है? बलेश्वर सिंह। क्या समस्या है? हम लोग का 15 दिन से हम लोग का गांव में लाइन वाइन का प्रॉब्लम है, काहे कि बच्चों को ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं बहन लोग, तो उन लोग को भी रात में पढ़ाने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम लोग का मोबाइल सब ऑफ हो गया है, मोबाइल भी चार्ज कोई कोई सिल्टेक्स सब में चढ़ चढ़ के सोलर से चार्ज कर रहे हैं, और बहुत कुछ प्रॉब्लम है। और मिस्त्री जो हम लोग का है यहाँ का लाइन को, वहाँ से मेन जो आता है वही लाइन को काट दिए हैं, तो और बना नहीं रहे हैं, यही समस्या हम लोग का। लाइन कितना दिन से नहीं है? 20 दिन करीब। 20 दिन हो गया। हाँ। लाइन सुबह भी नहीं आ रही है? नहीं, सुबह शाम रात कभी भी नहीं आ रही है। ठीक। अखंड भारत न्यूज के लिए धनुर्जय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा। झारखंड के जनपद सिमडेगा के बानो प्रखंड के बानो रेलवे स्टेशन देश के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। दक्षिण छोर पर कन्याकुमारी से धनबाद तक, इसी तरह जम्मू तवी से संबलपुर तक, इसी तरह देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले पैसेंजर्स का बानो रेलवे स्टेशन पर जांच की कोई सुविधा नहीं है। बानो प्रखंड के गतिबांधु में एक युवक का कोरोना बीमारी से ग्रस्त पाए जाने से ग्रामीण सदमे में है। दिल्ली एवं बड़े शहरों में रहने वाले कोरोना के कारण अपने गाँव लौट रहे हैं। बानो रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में रोजी रोजगार के लिए गए अपने गांव लौट रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए जांच की कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन द्वारा लोगों के बीच बराबर जानकारियां दी जा रही हैं। लगभग 10 लोग दिल्ली से बानो रेलवे स्टेशन से प्रखंड के महाबुआंग के सुतरोली गांव गए हैं। यदि इन्हें कोई संक्रमण रोग होगा तो ग्रामीणों को जानकारी नहीं होगी, जिससे संक्रमण बढ़ने की संभावना हो सकती है। ऐसे में रेल प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। इधर बानो में 4 बेड का आइसोलेट वार्ड बनाया गया है, जिससे कोरोना के रोगियों का प्राथमिक उपचार किया जा सके। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा। झारखंड के जनपद सिमडेगा के उपायुक्त श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल के आदेशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी श्री कुंवर सिंह पाहन के दिशा निर्देश पर जिला वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सिमडेगा के यात्रियों तथा वाहनों की साफ सफाई तथा सैनिटाइज करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसी क्रम में दिनांक 21 मार्च 2020 को जिला परिवहन विभाग सिमडेगा द्वारा सिमडेगा के बस स्टैंड, सिमडेगा से बाहर जाने वाले यात्रियों तथा सिमडेगा आने वाले यात्रियों का हैंडवाश तथा सैनिटाइज कराने की प्रक्रिया की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर और कड़े नियमों के साथ यात्री पड़ाव तथा वाहनों को सैनिटाइज करने की दिशा में पहल युद्ध स्तर पर जांच की जाएगी, ताकि जिलावासियों को अधिक से अधिक इस संक्रमण से बचाया जा सके। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।